नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया लाइव। लखीमपुर खीरी मोहम्मदी से अश्विनी सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य पर गोविंद गुप्ता जी के संरक्षण में रक्तदान महायज्ञ अभियान के अंतर्गत रक्तदान शिविर मोहम्मदी में बाजारगंज स्थित स्थल मंदिर में आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि उप जिला अधिकारी सात्य शुक्ला के द्वारा देव पूजन के साथ किया गया। उप जिला अधिकारी ने स्वयं रक्तदान कर लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया, उनका हौसला बढ़ाया। शिविर में कुल 35 लोगों ने रक्तदान किया। देखिए पूरी रिपोर्ट यूथ इंडिया लाइव के साथ। गायत्री परिवार की ओर से रक्त महादान किया गया, जिसमें आपने भी किया है, तो क्या संदेश है समाज के लिए? मेरा संदेश समाज के लिए यही है कि रक्तदान बहुत ज़रूरी है और हम लोग को कोशिश करना चाहिए रक्तदान करें, ताकि जब भी किसी को ज़रूरत हो खून की, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए मैं हमेशा रक्तदान करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए, रक्तदान का तो महत्व सबसे ज़्यादा है। गायत्री परिवार का ये लक्ष्य रहा है कि समाज कल्याण की भावना उसके अंदर रहती है, सारे कार्य इस तरीके से किए जाते हैं। और आज का जो रक्तदान शिविर है, वो हमारे अनुराग जी जो हमारे साथ हैं, यहाँ पर उपस्थित भी हैं, वो जिला युवा प्रकोष्ठ के प्रभारी भी हैं गायत्री परिवार के, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में भी इस तरीके का कार्यक्रम चल रहा है, और उसके अंतर्गत ही मोहम्मदी का ये जिले में पहला कार्यक्रम है जहाँ पर हम लोगों ने ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। आयोजन का उद्देश्य ये है कि हम किसी की जान को बचा सकें, इसलिए हम रक्तदान को प्रेरित करते रहें। और जो हमारे युवा हैं, वो भी काफ़ी उत्साही ढंग से यहाँ पे भाग ले रहे हैं इस कार्यक्रम में, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज हमारी उप जिलाधिकारी महोदया ने भी यहाँ पे आकर रक्तदान किया, जिससे कि हम सभी लोगों का उत्साहवर्धन हुआ है। और मैं माताओं बहनों से भी निवेदन करूँगा कि ऐसे कार्यक्रमों में वो भी आगे बढ़कर हिस्सा लिया करें, जिससे कि उनकी सहभागिता भी बराबरी से हो सके। मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि लेडीज़ किसी भी क्षेत्र में पीछे हैं। नॉट फॉर ब्लड डोनेशन बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं खुद मेडिकल फील्ड से हूँ, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ब्लड डोनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेडीज़ एज फार एज जेंट्स सबके लिए। ऐसा नहीं है कि लेडीज़ घर के काम करती हैं तो बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं, या बच्चे पालती हैं, बच्चे पालने से बहुत सारे मतलब होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ये सोचें कि हम लेडीज़ हैं हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। हमें करना चाहिए, बिकॉज हमारी आरबीसीज जो होती है, ब्लड सेल्स जो होती हैं, 120 डेज में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो इट इज़ गुड फॉर कि हम ये डोनेट कर दें तो किसी नीडी पीपल के काम आ सके। तो इससे हम अपने लिए भी अच्छा करें, क्योंकि हमारी बॉडी भी नया नया ब्लड प्रोड्यूस कर रही है, तो हमारे लिए भी अच्छा है। एज फार एज दूसरों के लिए भी, कोई नीडी पीपल है उसको ब्लड मिलेगा, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, फॉर मी एंड फॉर अदर्स। सो प्लीज़ डोनेट ब्लड, एंड डोंट थिंक कि आई एम गर्ल, आई एम फीमेल, आई एम वुमेन। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ डोनेट कीजिए। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब लोग डोनेट करिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं वुमेन हूँ, मैं नहीं करूँगी। थैंक यू। खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यूथ इंडिया लाइव। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें, और अपने बिजनेस को एडवर्टाइजमेंट के लिए यूथ इंडिया लाइव से संपर्क करें। देखते रहिए यूथ इंडिया लाइव।